here, and I'm just going to mix all of this nicely. Now we'll add the onions. Now we'll mix this nicely. We'll let the onions turn golden brown. As you all can see, the onions have slightly turned translucent. We let them cook until they turn golden brown. This is almost 70% cooked. It has slightly started turning golden brown. इस धुएं से आंखों में पानी आ रहा है. रोते रोते बिरयानी बना रही हूँ. By the way, खुशी के आंसू है ये. 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के. फ्रेंड्स, अभी ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है. अभी हम इसे निकालेंगे. ये आप देख रहे हो कलर, इस तरीके का कलर चाहिए हमें. हम अदरक और लहसुन की पेस्ट बनाएंगे. तो हमारा ये पेस्ट रेडी है. सो आवर जिंजर गार्लिक पेस्ट इज रेडी. तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च, कोथमीर, एक नींबू और पुदीना के पत्ते लिए हैं. Now we'll add the garam masala powder. Now we'll add the coriander powder. Chili powder डालेंगे. तो
अब हम इसमें ये पिसा हुआ अदरक लहसुन डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें ये इलायची डालेंगे, ग्रीन इलायची कुटी हुई। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। थोड़ा सा धनिया कटा हुआ और थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना। अब हम इसमें बरिस्ता का ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें दही डालेंगे। अब हम इसमें बरिस्ता डालेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। Now we'll add the turmeric powder. And now we'll mix it nicely. तो अब हमने ये आलू लिए हैं, ये आलू हम अब इसमें मिक्स करेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। नाउ लेट दिस मैरिनेट फॉर 1 आवर। यहाँ पे मैंने तेज पत्ता लिया है, ये है शाही जीरा, ये हरी इलायची, ये दालचीनी, ये लवंग और ये ब्लैक पेपरकॉर्न्स। पानी चेक करते हैं, ये गरम हो रहा है। तो अब हम इसमें सारे गरम मसाले डालेंगे। तो ये सारे खड़े मसाले अब इसमें जाएंगे। अभी इसमें नमक डालती हूँ, नमक स्वाद अनुसार। अब इसे मिक्स करते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे, ये बरिस्ता का तेल है। एक घंटे बाद हमारा ये मैरिनेटेड चिकन ऐसा दिखता है। तो ये पानी अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये चावल डालेंगे। अब इस पानी को हम इस मैरिनेटेड चिकन में डालेंगे। अब इस चावल को मिक्स करते हैं। अब हम इसे ढक के पकने देंगे। करते हैं
राइस ऑलमोस्ट 70% डन है। ये राइस अब मैं ट्रांसफर कर रही हूँ इसमें। अब मैं इसमें हरी मिर्च, कटा हुआ धनिया, कटे हुए पुदीने के पत्ते और बरिस्ता डालूंगी। ये सेम प्रोसेस हम दोहराएंगे। चावल डालेंगे। इसमें मैंने फूड कलर यूज़ किया है, ये एडिबल फूड कलर है। यहाँ पे मैंने बटर लिया है और ये अच्छे से पिघलने के बाद हम बिरयानी के ऊपर डालेंगे। ये बटर पिघल चुका है तो अब मैं इसके ऊपर डालूंगी। अब हम इसे ढक के तेज आंच पे 10 मिनट के लिए रखेंगे और फिर 10 मिनट इसे तवे पे पकाएंगे। Now we'll cook this on a low flame until 20 minutes. अब हम चेक करते हैं इस चिकन बिरयानी को। वाओ, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
आप देख सकते हो ये राइस के ग्रेन्स अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो ये लॉन्ग ग्रेन्स बासमती राइस है। Click on the subscribe button and hit the bell icon. रायता के साथ सर्व करूंगी।